अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को दर्शन का पहला दिन है। मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार अल सुबह से ही रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में पहले अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। लोग धक्का मुक्की करते दिखे। वहीं सभी भक्तों के लिए नव्य राम मंदिर के द्वार खुल गए हैं। दरअसल सोमवार को अयोध्या में सम्पन्न हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। रामलला के दर्शन की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई। वहीं इस दौरान पहली पाली में सुबह 11:30 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। इसके बाद दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। दोपहर में रामलला को पूरी सब्जी राबड़ी खीर के भोग के अलावा हर घंटे दूध फल और पेड़े का भी भोग लगेगा। रामलला सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम, शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी रंग वस्त्र पहनेंगे। वहीं विशेष दिनों में रामलला को पीले वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। रामलला के 24 घंटे के 8 पहर में अष्टयाम सेवा होगी। इसके अलावा रामलला की 6 बार आरती होगी। आरती में शामिल होने के लिए पास जारी होंगे। अब तक रामलला विराजमान की 2 आरती होनी थी। यदि भक्तों की भीड़ बढ़ी तो दर्शन की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा।